दोस्तों 2024 की रेनो क्विड क्लाइंबर जो कि क्विड का टॉप मोस्ट वेरिएंट है उसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और दोस्तों ये देखिए, ये है ड्यूअल टोन पे गाड़ी, फेरी रेड, और ऊपर की तरफ रूफ चेक करेंगे तो ब्लैक कलर की रूफ दी हुई है। एक स्पोर्टी लुक में दिखने वाली ये गाड़ी, प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 5,99,500 रुपीज़ इसका एक्स शोरूम कॉस्ट है। सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दे तो ये यूपी में ऑन रोड पड़ती है अराउंड 7,15,000 रुपीज़ की। ये प्राइस मैंने बताया है आपको ड्यूअल टोन पे। अगर आप इसे सिंगल टोन पे परचेज करेंगे तो लगभग 12,000 रुपये गाड़ी और सस्ती हो जाएगी। इवन फाइनल प्राइसिंग के लिए मैंने डीलर्स के नंबर मेंशन कर दिए हैं, आप रेनो की कोई भी गाड़ी बेस्ट प्राइस पे आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं रेनो क्लाइंबर 2024 को। तो देखिए, सबसे पहले एक थोड़ा सा झलक आपको दिखाता हूं इस गाड़ी के डिजाइनिंग। बहुत ही खूबसूरत दोस्तों इस गाड़ी को डिजाइन किया गया है, कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं है। इंजन वाइज बात करते हैं तो ये गाड़ी जो है वो 1 लीटर के पेट्रोल इंजन पे आती है, जिसका डिस्प्लेसमेंट है 999 cc का, 3 सिलेंडर बना हुआ है, 68 PS का पावर और 91 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। अब बात करते हैं सबसे पहले एक्सटीरियर में इस गाड़ी के फ्रंट लुक की। तो देखिए, ये है टॉप मोस्ट वेरिएंट, यहाँ पे आप चेक करेंगे तो देखिए सब ये क्रोम की ग्रिल आपको देखने को मिलेगी। इवन जब हम थोड़ा सा नीचे की तरफ चेक करेंगे तो देखिए स्किड प्लेट्स भी इसमें दे रखी हैं, जिसमें वाइट कलर के एसेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। और खाली इसी जगह पे वाइट कलर के एसेंट्स नहीं है, अगर आप हेडलैम्प के सराउंड पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसके हेडलैम्प्स भी काफ़ी हैवी लुक में दे रखे हैं। यहाँ पर सब माउंटिंग जो है काफ़ी इसको बोल्डर बना रही है, और उस माउंटिंग से भी देखिए तो यहाँ पर वाइट कलर के एसेंट्स हैं। इवन थोड़ा सा जब हम साइड पर चेक करेंगे तो देखिए इसके जो आउटसाइड मिरर्स हैं, यहाँ भी व्हाइट कलर को यूज किया गया है, और रूफ रेल्स में भी व्हाइट कलर के इंसर्ट्स हैं। तो क्लाइंबर 2024 में ज्यादा स्पोर्टी लुक में दिखने के लिए एक तो डुअल टोन कलर, ऊपर से व्हाइट कलर के इंसर्ट्स इसको और खूबसूरत बना रहे हैं। बाकी यहां पे चेक करिए तो ये एलईडी स्ट्राइकिंग जो है DRL लाइट्स आपको देखने को मिलेंगी, जो कि इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर है, इसके बेसिक वेरिएंट से ही आने लगता है। हालांकि क्लाइंबर अगर बात करेंगे तो क्लाइंबर में सिर्फ एक ही वेरिएंट आता है जिसको मैं दिखा रहा हूं, और यहां पे देखिए उसी के पीछे की तरफ इंडिकेटर्स चेक कर सकते हैं। हेडलैम्प्स यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम के 2 हैलोजन रिफ्लेक्टर्स वाले मिलेंगे, लेकिन साइज काफ़ी अच्छा इसमें दिया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, और साइड से आपको ये गाड़ी चेक कराते हैं। अब साइड में देखिए क्लाइंबर में अच्छी चीज़ है, यहाँ पे ये एलॉयज़ तो नहीं है लेकिन ये डुअल टोन पे फ्लेक्स व्हील्स दिए हुए हैं जो कि एलॉय का लुक दे रहे हैं। बट थोड़ा सा क्लोजली चेक करेंगे तो देखिए फाइबर कैप्स दे रखी है, लेकिन कट इस तरीके से दे दिए कि ये एलॉय की तरह दिखाई दे। बाकी साइज देखिए 165/70R 40 in के ये व्हील्स इसमें मिल जाएंगे। क्लैडिंग्स चेक करिए, यहाँ पर आगे की तरफ व्हील्स के ऊपर है और पीछे की तरफ भी देखिए व्हील्स के ऊपर प्रोवाइड की गई है। साइड में देखिए यहाँ पर डोर पे भी प्रोटेक्शन क्लैडिंग लगी हुई है जो कि थोड़े बहुत स्क्रैचेस को बचा लेती है। बाकी हैंडल्स जो हैं ये देखिए यहाँ पे आपको ये नॉन पेंटेड मिलेंगे टॉप मोस्ट वेरिएंट पे भी। और इस साइड पे देखिए तो क्लाइंबर का डिकॉल यानी स्टिकर लगा हुआ है, और यहाँ से भी चेक करिए इस गाड़ी को, ड्यूअल टोन है, फेरी रेड कलर है, वैसे भी कलर जो है ज़्यादा एट्रैक्टिव लगता है, और ब्लैक रूफ के साथ ये और ज़्यादा खिल के आ रहा है। कैसा लग रहा है हमें बताइएगा। तो फ्रंट एंड साइड मैंने आपको बता दिया है, चलिए चलते इस गाड़ी के बैक साइड में और बैक से चेक कराते हैं। क्लाइंबर का बैक प्रोफाइल देखिए इस समय आप चेक कर रहे हैं, हालांकि इसमें टॉप मोस्ट वेरिएंट पे भी डिफॉगर वाइपर नहीं मिलते हैं, बट इंटीग्रेटेड स्पॉइलर ज़रूर आपको इसमें मिल जाएगा। इवन जब लाइट्स चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये LED गाइड लाइट्स हैं, यानी ये तो लाइट जो है LEDs पे दे रखी हैं, बट यहाँ पे आपको बल्ब इसमें मिलेंगे। बाकी दोस्तों देखिए कैमरा भी इसमें आता है, तो इसका लेंस यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से रेनो लोगों के बीच में प्लेस किया गया है। इवन पीछे भी देखिए स्किड प्लेट्स में यहाँ पे व्हाइट कलर के एसेंट्स, व्हाइट कलर और सिल्वर फिनिश में यहाँ पे कॉम्बिनेशन पे स्किड प्लेट्स प्रोवाइड की गई हैं। तो यहाँ पे एक्सटीरियर में दोस्तों क्या कुछ मिलता है वो मैंने आपको चेक करा दिया है। इवन ऊपर एंटीना देखिए, काफ़ी लॉन्ग यहाँ पे एंटीना मिलेगा, तो इतना लंबा एंटीना दे दिया है कि भाई कम सिग्नल्स में भी ये प्रॉपर जो है कैच कर लेगा। इसके बाद थोड़ा सा साइज़ की बात करते हैं, तो इस गाड़ी की जो लेंथ है वो 37-31 mm है, और ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है 184 mm का। बाकी सारे भी डायमेंशन मैंने स्क्रीन पर लगा दिए हैं, आप चेक कर लीजिए। आप देखते हैं क्लाइंबर में अंदर क्या दिया हुआ है। तो इंटीरियर में भी देखिए, जैसे बाहर आपने वाइट कलर के काफ़ी जगह पे एसेंट्स है, वैसे इंटीरियर में भी देखिए इधर भी वाइट कलर के एसेंट्स हैं। इवन गियर लीवर्स पे भी यहाँ पे भी देखिए वाइट कलर के एसेंट्स हैं। म्यूजियम के सराउंड पे भी यहाँ पे देखिए वाइट कलर के एसेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। और इस साइड पर हालांकि ये तो क्रोम की रिंग है, और इन साइड डोर हैंडल्स हैं ये भी क्रोम फिनिश में आपको इसमें मिलेंगे। इंटीरियर बाकी जो है वो ऑल ब्लैक पे है, लेकिन जब सीटों की अपहोल्स्ट्री देखेंगे तो ये है तो फैब्रिक मटेरियल पे, लेकिन यहाँ पे देखिए मेटल मस्टर्ड कलर और वाइट कलर के स्ट्रिप्स इसको
खूबसूरत लुक दे रहे हैं। क्लाइंबर को भी देखिए यहाँ पे एम्बोस किया हुआ है। तो सीटें बनाई हैं इसकी काफ़ी स्पोर्टी, लेकिन हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट इसके टॉप मोस्ट वेरियंट पर भी दोस्तों नहीं आती है। और जब हम इस बात करेंगे इसकी कीज़ की, तो यहाँ पर आपको मिलेगी रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाले की। सेकेंड की देखते हैं, तो सेकेंड नॉन रिमोट है, एक की आपको इसमें रिमोट वाली मिल जाएगी। चलिए अब और चीज़ें देख लेते हैं। तो आउटसाइड मिरर्स जो हैं वो दोस्तों इस गाड़ी के लिए है टॉपमोस्ट वेरिएंट, इसमें भी आपको ओपन क्लोज मैनुअल करने पड़ेंगे, लेकिन एडजस्टमेंट जो है वो आप इसमें इलेक्ट्रिकली इस बटन से कर सकते हैं। इस साइड पे देखें कुछ आपको स्पेस मिल जाएगी बॉटल्स एंड मैगजीन्स के लिए। तो इधर की कुछ चीज़ें देख ली हैं, अभी ज़रा केबिन में बैठेंगे और फीचर्स एक्सप्लोर करेंगे। पहले ज़रा बूट एरिया आपको चेक करा दूँ, तो बूट जो है वो ओपन यहाँ से होगा। चलिए अब आ जाते हैं बैक साइड में और चेक करा देते हैं इस गाड़ी का बूट स्पेस। पार्सल ट्रे देखिए कंपनी फिटेड है और बूट में भी आपको अच्छा स्पेस मिल जाता है 279 लीटर्स का। यहाँ पे देखिए बेहतरीन स्पेस इसमें दिया हुआ है। बूट लैंप हालांकि नहीं है इसमें टॉप वेरिएंट पे भी, और स्पेयर व्हील जो है वो रखा है इधर इस साइड पे। देख लेते हैं बाकी व्हील्स की तरह, हालांकि फ्लेक्स यानी स्टील कट पे नहीं होगा, ये फुल स्टील पे है। और साइज़ लेकिन यहाँ पे आपको सेम R14 इंच का मिलता है। चलिए अब बात करते हैं, अगर आपको लगेज स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो ये रिमूवेबल है, इसको मैं हटा सकता हूँ। तो इस तरीके से देखिए ईजिली निकल आई है। इसके बाद यहाँ पर सीटें कुछ इस तरीके से आप आगे ले जा सकते हैं, बेंच फोल्डिंग के साथ सीट दे रखी है। और जो है जब सीट को बेंड कर दिया उसके बाद यहाँ पे स्पेस देख लीजिए, एक बड़े साइज़ का निकल के आ गया। चलिए जरा इन सबको वापस अपनी जगह रख देते हैं। चलिए अब चलते हैं केबिन को एक्सप्लोर करते हैं, स्टार्ट करते हैं पीछे की सेटिंग से। तो चारों पावर विंडोज़ आते हैं, तो यहाँ पे पीछे पे पावर विंडो का स्विच है। और इस साइड पे देखिए तो इधर सब हैंडल्स पीछे वाले भी क्रोम फिनिश में है। और यहाँ पे आपको जो लॉक्स हैं वो ऐसे ऊपर से, नीचे करेंगे तो बंद हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो खुलेगा। और इधर की सब सीटें चेक करिए, आगे की सीटिंग्स की तरह पीछे भी यहाँ पे सब सीटें चेक कर लीजिए। यहाँ पे मस्टर्ड एंड वाइट स्ट्रिप्स के साथ सीटें प्रोवाइड की गई हैं। अब ये ड्राइविंग सीट हालांकि मेरे हाइट के हिसाब से सेट नहीं है, तो पहले दोस्तों मैं इस सीट को अपने हिसाब से सेट करूँ, तभी पीछे का स्पेस आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखिए थोड़ा सा पीछे थी, तो इसको मैं ज़रा आगे ले जाता हूँ, लीवर इस तरफ है, ये नहीं ज़्यादा आगे हो गई। हाँ अब ठीक है, अब ये प्रॉपर तरीके से सेट हो गई है मेरे हिसाब से। अब जरा हम आते हैं इसकी पीछे की सीट पे और दिखाते हैं आपको स्पेस। तो देखिए ये, अगर आपकी हाइट भी 5'8" या उसके आसपास है तो आप जज कर सकते हैं आपको इसमें कितना स्पेस मिल रहा है। सीटें ऊंची दे दी हैं जिससे पैर मेरे अंदर चले गए हैं, तो यहाँ पर आराम से मैं पैरों को रख पा रहा हूँ। हालाँकि थोड़ा सा पैर फंस रहे हैं, बट स्टिल अब देखिए एक छोटे साइज़ की गाड़ी है तो उतना स्पेस तो नहीं मिलेगा एक बड़ी गाड़ी के हिसाब से, बट यहाँ पे भी आपको ठीक स्पेस मिल जाता है। थाई सपोर्ट हालांकि इसमें एवरेज मिलता है। और हेडरूम चेक कर लेते हैं, तो देखिए ये इतना आपको इसमें हेडरूम मिलेगा। तो सेटिंग स्पेस यहाँ पे पीछे की आपने चेक कर ली है। सेंटर हम भी देखिए अच्छी चीज़ है, थोड़ा सा फ्लैट टाइप का ही दिया हुआ, तो बीच में कोई बैठेगा तो वो भी आराम से पैर को रख लेगा। और ऊपर साइड ग्रिप्स आपको इसमें मिल जाएंगी, आगे नहीं है, यहाँ पे पीछे के दोनों पैसेंजर्स के लिए, साइड वालों के लिए ग्रिप प्रोवाइड की गई है। चलिए अब आते हैं हम आगे की तरफ, ड्राइविंग सीट में बैठ के दिखाते हैं क्लाइंबर में क्या आपको और फीचर्स मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा इसको पीछे करके आपको एक बेटर व्यू दिखाते हैं। तो देखिए इस साइड पे भी क्विड को एम्बोस किया हुआ है। सेफ्टीज़ में इसमें आपको डुअल एयरबैग सेटअप मिलेगा, फ्रंट पे ही दो एयरबैग्स हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें यहाँ पे आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल वाले फीचर्स और साथ में इसमें ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स इसमें स्टैंडर्ड हैं, आपको सभी वेरियंट्स मिलते हैं। हालाँकि अगर इसे आप ऑटोमेटिक में परचेज करते तो आपको इसमें हिल असिस्ट भी मिल जाता जो कि मैनुअल में नहीं आता है। स्टीयरिंग पे देखिए यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इसमें आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दे रखा है जिसमें कनेक्टिविटीज़ भी हैं, यहाँ पे अपने फ़ोन्स को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो सिस्टम है दोस्तों ये सिर्फ 2 स्पीकर्स के साथ आता है, दोनों स्पीकर्स यहाँ पे एक इधर और एक उस साइड कॉर्नर पे प्लेस किया हुआ है। इसमें पीछे स्पीकर्स नहीं आते हैं, इवन डोर्स पे देखिए स्पेस भी नहीं है स्पीकर्स को लगवाने के लिए। तो यहाँ पे सिस्टम बेटर चीज़ है, टच स्क्रीन मिलता है। यहाँ पे देखिए तो आपको मिल जाएगा ये दे रखा है मैनुअल यूनिट वाला AC। और एक और चीज़ आपको बता दूं, पीछे के पावर विंडोज़ जो हैं वो तो डोर्स पे प्लेस हैं, बट आगे के जो पावर विंडोज़ हैं वो
यहाँ पे इनके बटन को प्लेस किया हुआ है, यानी ये डोर्स पे नाव के सेंटर पैनल पे दे रखे हैं। ये सेंटर डोर लॉक का बटन है, ये हजार्ड स्विच दिया हुआ है। इस साइड पे देखिए तो पेंटर लगाने का ऑप्शन, ऑक्सिलरी पोर्ट और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। इधर भी कुछ आपको स्पेस मिल जाएगी। और इस साइड पे देखिए तो हैंड ब्रेक जो है ये क्रोम टिप के साथ मिलता है क्लैम्बर में। स्टीयरिंग देखते हैं, देखना रह गया इसका एडजस्ट व्हील है कि नहीं, तो नहीं, यहाँ पे कोई भी लीवर नहीं है। स्टीयरिंग फिक्स है, ये अपनी पोजीशन पे ही सेट रहेगा। मीटर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक डिजिटल क्लस्टर मिलता है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे इस बटन से स्विच करके देख सकते हैं। बॉक्स एक बार देख लेते हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छा स्पेस है, इसमें तो बहुत ही बेहतरीन स्पेस मिल जाएगा। इस सेगमेंट की गाड़ी में इतना बड़ा ग्लोव बॉक्स आपने जल्दी नहीं देखा होगा जितना आता है ये क्विड क्लैम्बर में। तो इधर की चीज़ें देखने के बाद यहाँ पे देखते हैं डे नाइट फीचर वाला इनसाइड। रियर व्यू मिरर है, आगे की तरफ आपको एक लाइट मिल जाएगी और वैनिटी मिरर्स नहीं दिए हुए हैं इसके सन वाइजर्स पे। बाकी दोस्तों जब मैं आगे की सीट में बैठा हूँ तो यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस आप चेक करिए, देखिए इतने कंफर्टेबली मैं इस गाड़ी की सीटिंग से बैठा हुआ। आगे का भी आप हेडरूम चेक कर सकते हैं। और रोड विजिबिलिटी की बात करते हैं, हालांकि इसकी सीट जो है वो हाइट एडजस्टेबल नहीं है, इसके लिए इस पोजीशन पे सेट है कि यहाँ पे प्रॉपर मुझे रोड दिखाए। यहाँ पे अच्छा स्पेस और अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं क्विड में इस प्राइस रेंज में। चलिए ट्रांसमिशन आपको और दिखा देता हूँ। तो देखिए ये है 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसमें लीवर ऐसे उठा के लगेगा और जब बैक गियर डालेंगे तो पीछे का कैमरा आ गया विद गाइडलाइंस, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। तो ये है दोस्तों क्विड का टॉप मोस्ट वेरिएंट क्लाइंबर, मैंने आपको चेक कराया है। 7 लाख रुपए में ये गाड़ी आ जाती है, जिसमें आपको मिलते हैं बेहतरीन फीचर्स और साथ में मिलता है बेहतरीन स्पेस। सारी चीज़ें ड्यूरिंग वीडियो मैंने आपको दिखा दी हैं। कैसा लगा ये गाड़ी हमें बताइएगा, साथ में हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। दोस्तों पसंद आया अभी तक आपने कार ग्रीन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिले, साथ में हमें सपोर्ट भी मिल जाए। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।